माफ कर दीजिए, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। ये सब ड्रामा बंद कर और निकल यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगी। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसे ही करूंगी। बस खुदा के वास्ते मुझे फैक्ट्री में वापस रख लीजिए। सब तो कांड करने से पहले सोचना चाहिए था आसमा। मैं और क्या करती, मैं मजबूर थी, आप तो सब जानती है ना, मैं बहुत दिक्कत में हूँ। मैंने साफ साफ कहा ना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और हाँ, यहाँ वापस मत आना कभी, समझी तू? मेरे साथ खुदा के वास्ते मुझे काम से मत निकालिए मेरे साथ। तुम लोग अंदर जाओ। मैं तो खुदा के वास्ते कौन हो तुम? सुशीला जी। मैम साहब, इन्हें जाकर अपना कमरा दिखा दो। ठीक, तुम लोग जाकर रेस्ट करो, कुछ चाहिए होगा तो बता देना। ठीक, चलो। हेलो। हाँ आ गई है वो दोनों, अब ये सेटिंग भी करके देखती हूँ। पर प्लीज तुम किसी को कुछ मत बोलना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ मिलती हूँ 5 बजे वहीं। भैया मेरी बात मानो, हमें बस एक बार साहब से मिलने दो, बहुत दिक्कत में है। साहब ने मना किया है, आप अंदर नहीं जा सकते। हमारी गलती क्या है? साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी बात समझने की कोशिश करिए, हमें बस एक बार। तुम आपकी तय मत कर। हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी भारत और दूसरे विकासशील देश बेरोजगारी के अभिशाप से जूझ रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई, ऐसे में अगर सहारा है तो सिर्फ एक अच्छी नौकरी का, और उसकी तलाश में एक आम आदमी दर दर भटकता है, और अगर कामयाबी मिल जाए तो वो उस नौकरी को अपनी जान से भी ज्यादा बचा कर रखता है। अगर किसी दिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो नौकरी चली जाए तो क्या इस औरत के साथ भी ऐसा ही हुआ था? क्या उसने भी कोई गलती की थी, या फिर बात कुछ और ही थी? नहीं मानी, हमने बहुत बोला उसे, लेकिन उसने हमें काम पे वापस नहीं रखा। अल्लाह कसम। मैनर्स भूल गए हो क्या तुम? बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गए? शायद तुम भूल गई हो कि हम दोनों का बेडरूम है। ये नया नाटक क्या है? ये दोनों औरतें यहाँ पे क्यों आई है? अब क्या हुआ? क्या बात कर रहे हो? मॉम डैड प्लीज, अब आप लोग बस भी करोगे? आप लोग को पता है ना कि वो दोनों भी बाहर है। अरे बेटा तुम क्यों चिंता करती हो नमिता? तुम ये सब अपने डियरेस्ट डैडी पे छोड़ दो। ठीक है छोड़ दिया, लेकिन पेट के चूहे तो नहीं छोड़ रहे ना? बहुत भूख लग रही है डैड।
हम तीनों बाहर कहीं डिनर पे चले। हाँ चलते हैं। भैया मेरे पास पैसे तो नहीं है, मुझे सिर्फ एक बॉटल चाहिए। अरे चल जा जा यहाँ से। भैया खुदा के पास अगर आपने बॉटल ली तो हमारी जान छिन जाएगी, हमारी जिंदगी का सवाल। बस एक बॉटल। ये ले। कॉन्स्टेबल तलाशी लो आसपास कुछ मिलता है क्या, और तुम बॉडी को तलाशी लो। नौकरी वापस ना मिलने की वजह से वो इतनी मजबूर हो गई थी कि उसने शराब का सहारा लेना चाहा। पुलिस ने उस औरत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये औरत कौन थी और इसकी हत्या किसने की थी। एक्सक्यूज मी जी, इसे जानते हैं? हाँ सर, ये तो कल मेरी दुकान पर आई थी। भैया हमको एक बॉटल दे दो। क्या हुआ इसे? आसमान सारी नाम है इसका, इसका मर्डर हो गया। कुछ पता है इसके बारे में? नहीं सर, इसे मैं नहीं जानता और नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ कल ये मेरी दुकान पर आई थी शराब की बोतल लेने, अब कुछ डरी हुई थी। क्यों, देखने में शराबी लग रही थी? नहीं सर। थैंक यू सर। यह है विक्टिम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। विक्टिम के पेट में बड़ा घाव है बॉडी का, और पूरी बॉडी पर छोटे छोटे स्ट्रगल के निशान। हाँ सर, और पुराने घाव भी हैं, और सिगरेट के निशान तो जगह जगह हैं। मतलब इसके साथ बहुत सालों से बुरा बर्ताव हो रहा था। हाँ सर, वो शराब की दुकान का मालिक भी कह रहा था कि वो देखने में काफी डरी डरी लग रही थी। ये घबराई हुई थी, अब कुछ डरी हुई थी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी में अल्कोहल नहीं मिला है। सर इसका मतलब ये हुआ कि मर्डर के 24 घंटे पहले तक उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। उसके फोन से कुछ मिला? नहीं सर, फोन पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए, लेकिन सर एक टिकट मिला है दादरी का। दादरी? हो सकता है वो वहीं की रहने वाली हो। तुम दादरी जाओ और वहां की पुलिस से कॉन्टेक्ट करो, उनकी मदद से तुम्हें इसके घर का पता मिल सकता है, क्योंकि दादरी बहुत छोटी सी जगह है। मुझे लग रहा है कि इस टिकट और उसके मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। ओके सर। ये आसमा का घर है। बेटा आसमा अंसारी का घर यही है। अरे कौन है वो, क्यों नहीं खोलती, क्यों नहीं खोली? तुम आसमा के पति हो? हाँ तो
आसमा तू कहाँ चली गई? आसमा मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? मैं कैसे जीऊंगा आसमा? मैं कैसे जीऊंगा? आसमा दिल्ली गई थी और वहां उसका मर्डर हुआ। आसमा दिल्ली क्यों गई थी कुछ पता है? वो अपने मालकिन के पास गई थी काम मांगने, मिसेस सिंह के पास। साहब जरूर उसी ने कुछ किया होगा। साहब मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा। साहब नहीं छोड़ूंगा उस औरत को। साहब नहीं छोड़ूंगा। मैं उस औरत को जान से मार डालूंगा। साहब मेरे आसमा को उसने मारा। फैजल और आसमा के बारे में कुछ जानते हो? हाँ साहब, वो एक महीना पहले ही यहाँ आए थे। फैजल है ना साहब, एक नंबर का शराबी है। अब साहब क्या बताओ, इनके घर से तो रोज मारने पीटने की और रोने की आवाज आती है। अब घर के अंदर क्या चलता है ये किसको पता होगा? गांव के लोग कह रहे हैं कि फैजल एक नंबर का शराबी है, पूरे दिन शराब के नशे में धुत रहता है। गांव में ज्यादातर लोग उससे बात भी नहीं करते। वर्मा साहब ऐसे लोगों को दुश्मन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप एक काम कीजिए, यहाँ रहकर फैजल पर नजर रखिए। वो कह रहा था आसमा दिल्ली गई है किसी मिसेस सिंह से मिलने। वो अपने मालकिन के पास गई थी काम मांगने, मिसेस सिंह के पास। मैं दिल्ली जाकर सिंह फैमिली से बात करता हूँ। जी इसे जानती हैं? पर आसमा को हुआ क्या? इसका मर्डर हो गया। हमें पता चला है कि दो दिन पहले वो आपसे मिलने आई थी, अपना काम वापस मांगा। कुछ जानती है इसके बारे में? खुदा के वास्ते मुझे काम से मत निकालिए मेम साहब। आसमा हमारी फैक्ट्री में काम करती थी, पर डेढ़ महीने पहले उसे काम से निकाल दिया। उसके बाद मैं उससे नहीं मिली। क्यों निकाला उसे काम से? वो तो मुझे नहीं पता। किसे रखना है किसे निकालना मेरे हस्बैंड डिसाइड करते हैं। मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग संभालती हूँ। ठीक है, थैंक यू। ये कमल सिंह का ऑफिस किधर है? आसमा का खून हो गया? अरे बाप रे, ये तो बड़ी दुख की बात है। तो ये आपका ये मानना तो नहीं है कि उसके खून के पीछे मेरा हाथ है? देखिए सर जी, वो मेरे फैक्ट्री में काम करती थी बस। आसमा को फैक्ट्री से क्यों निकाला आपने? काम चोर थी, असल में उसको नौकरी करनी नहीं थी। आसमा काम मांगने वापस आई थी ना? तो फिर तुम्हारा वॉचमैन ये क्यों कह रहा था कि उसके मर्डर के दो तीन घंटे पहले वो तुमसे मिलने आई थी? हो सकता है आई होगी, लेकिन मुझसे नहीं मिली। आप चाहिए तो CCTV फुटेज चेक कर लीजिए। वो तो हम चेक करेंगे, फिलहाल हमें आपके फैक्ट्री के वर्कर से बात करनी है। बिल्कुल सर जी, अरे पूरी फैक्ट्री आपकी है, आप जिसे चाहे जो चाहे पूछ सकते हो। कहीं जाने की तैयारी है क्या? जा नहीं रहा हूं, बस जाते रहता हूं काम के सिलसिले में, इसलिए तैयार रखा है, बस उठाया चल पड़ा। ठीक है जी। सर जी, आसमा तो बहुत मेहनती लड़की थी, और उसका वो पति, वो तो घर पे बैठा रहता और उसके पैसे पे सिर्फ दारू पीता रहता था, और अगर वो पैसे ना देती तो बेचारी को बहुत मारता था। वो अपनी बेटी को भी पढ़ा रही थी और अपने पति का खर्चा भी उठा रही थी, और उसके लिए ये नौकरी वापस मिलना बहुत जरूरी था। एक नंबर की कामचोर थी वो, हमेशा मीम साहब और साहब जी को मस्का लगाती रहती थी। इस फैक्ट्री में काम का माहौल कैसा है? कमल और इंदु अच्छे लोग है ना? अच्छे नहीं साहब, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, और खासकर कमल साहब, वो तो हम सबको अपने परिवार की तरह मानते हैं। बस उनकी यही बात इंदु मैम साहब को ज्यादा पसंद है। कब से काम कर रही है यहाँ पे? कुछ 2-3 महीनों से। पर क्या? कुछ नहीं सर। बोलिए क्या बोलना चाहती हैं? सर हो ना हो इस फैक्ट्री में कुछ ना कुछ अजीब जरूर चल रहा है। सर कमल सिंह ने सारी बातों का जवाब सीधे सीधे दिया, लेकिन उसकी बीबी इंदु, सर ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ छुपा रही है। और सर फैक्ट्री के सारे वर्कर कमल को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इंदु से उन्हें उतनी ही प्रॉब्लम है। आसमा की बॉडी हमें जहाँ मिली है वो जगह कमल के घर और फैक्ट्री के बीच में। ठीक है,
सबके कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। कोई तो ऐसा होगा जो आसमान से टच में था और जानबूझकर हमसे छुपा रहा है। आसमान के कॉल रिकॉर्ड आ गए? फिलहाल तो नहीं सर, थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे आते हैं मुझे बताओ। ओके सर। क्यों बंद कर रखा है? प्लीज कॉल मी, जरूरत है मुझे तुम्हारी। कहाँ हो तुम? सर आसमा के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन आसमा का मर्डर हुआ उस दिन सुबह वो इंदु सिंह के घर गई थी अपना काम वापस मांगने और फिर वहां से फैक्ट्री, जैसा कि वॉचमैन ने हमें बताया। लेकिन सर उसके मर्डर के कुछ घंटे पहले उसने फैजल को कॉल किया था और जब हमने फैजल से पूछताछ की तो उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। दादरी थाने में कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि फैजल पे नजर रखे और तुम इस इंदु सिंह से फिर से मिलो। सर एक मर्डर हुआ है। सच को चाहे जितना मर्जी छुपा लिया जाए लेकिन एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है और इंदु सिंह के झूठ का सच भी बाहर आ चुका था। पुलिस की तहकीकात से ऐसा लग रहा था कि आसमा अंसारी की मौत में शायद इंदु सिंह का हाथ था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उनसे कुछ पूछताछ कर पाती, किसी ने इंदु सिंह के घर में घुसकर उन्हें जान से मार दिया। एक और खून, एक और राज, एक और कातिल। वो क्या राज था जो इन दोनों के मर्डर्स के साथ दफन हो गया? क्या जो दिखाई दे रहा था वो एक छलावा था या फिर सच का एक पहलू? सर, जब मैं स्कूल से आई थी तो मामा फ्लोर पे सब जगह खून फैला हुआ था सर। मैंने आवाज दी थी पर साहब मैं सोई हुई थी। फिर मैं बाहर आई तो मीम साहब जमीन पर गिरी हुई थी और उनके सर से खून बह रहा था मीम साहब की। फिर मैंने आपको फोन किया साहब और उसके बाद नमिता बेबी घर आई थी। जब मर्डर हुआ तब तुम दोनों कहाँ थे? तुम दोनों फैक्ट्री में। पता नहीं साहब, इंदु के साथ ये सब किसने किया? थोड़ा ऊंचा बोलती थी, गुस्सा बड़ा जल्दी आता। लेकिन गुस्से के लिए कोई इसको मार दे ऐसा तो नहीं लगता। अस्मा दादरी से दिल्ली आती है अपनी नौकरी वापस मांगने, इंदु सिंह से मिलती है। लेकिन इंदु हमसे ये बात छुपाती है। मैं पिछले 1.5 महीने से उससे नहीं मिली। फिर अस्मा को कोई मार देता है और उसके 6 दिन के अंदर इंदु सिंह का मर्डर होता है उसके अपने घर में। पर जहाँ सोचने वाली बात यह है कि मर्डर वेपन इंदु सिंह की बॉडी के पास में ही मिला, मतलब कातिल ने ना तो उसे छुपाया ना ही अपने साथ ले गया। यानी कि वो या तो बहुत हड़बड़ी में था या फिर बहुत ही शातिर। सर मैंने मर्डर वेपन को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है, जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। सर एक बात तो कन्फर्म है कि जिसने भी इंदु का मर्डर किया वो इससे काफी गुस्से में था, काफी बुरी तरह से सर पे वार किया गया। लेकिन लगता नहीं कि कातिल मर्डर करने के इरादे से घर में आया था, क्योंकि ना तो घर में कोई फोर्स एंट्री हुई है ना ही कुछ चोरी हुई है। ऐसा लगता है कि वो इंदु सिंह को बहुत अच्छे से जानता था। सर जिस दिन इंदु का मर्डर हुआ उस दिन सुनीता और हेमा ये दोनों फैक्ट्री में थी। सुशीला के बयान के मुताबिक वो घर में थी, अपने कमरे में सो रही थी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? उसी घर में इंदु का मर्डर हो जाता और इसे पता भी नहीं चलता। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मर्डर में सुशीला भी इन्वॉल्व है? हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मोटिव था इंदु सिंह का मर्डर करने। आसमा का पति फैजल या फिर फैक्ट्री का कोई वर्कर या फिर सुनीता या हेमा। सर सुनीता और हेमा इन दोनों को इंदु ही अपने घर लेकर गई थी। सर ये दोनों ऐसा क्यों करेंगे? अजीब बात तो वही है कि फैक्ट्री के सिर्फ 2 ही वर्कर्स क्यों उसके घर में रह रहे थे। इन सब पे नजर रखो, पता करो कि ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। फैजल का फोटो लो और आसपास पूछताछ करो और दादरी पुलिस स्टेशन में कहो कि पता करें कि फैजल इंदु सिंह के मर्डर के टाइम पर कहाँ था। ओके सर। हाँ सर, एक लड़के को देखा था वहाँ उनके दरवाजे पर खड़े होकर उनके घर को घूरता रहता था। मैंने एक दो बार पूछा भी लेकिन वो भाग गया। तो फिर से रुक।
नहीं था वो? नहीं सर, सर मैंने बताया ना आपको, वो लड़का था, वो 14-15 साल का लड़का था, और इस आदमी को तो मैंने पहले कभी देखा भी नहीं। उसका स्केच बनवा सकते हो आप? हाँ सर, ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है। पता नहीं सब कौन है ये, पहले कभी देखा नहीं इसको। बेटा तुमने? नहीं सर, मैंने भी इसे कभी नहीं देखा। फैजल कहाँ है? अब्बू, अब्बू तो भाग गए हैं। पिछले 2 दिन से हम अकेले हैं। ये चोट कैसे आई? कमीने, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। सना तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, लेके चलो इसे। हेलो पवन, मैं वर्मा बोल रहा हूँ। फैजल 2 दिनों से गायब है और उसकी बेटी को भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। मैं अपने खबरियों को उसके पीछे लगा देता हूँ। ठीक है वर्मा, आप मुझे अपडेट करते रहिएगा। थैंक यू सर। फैजल 2 दिन से लापता है सर, इसका मतलब ये हुआ कि इंदु सिंह के मर्डर का उसके पास मोटिव भी है और मौका भी। जहाँ हो सकता है कि फैजल दिल्ली आया हो, पता करो और उसके कॉल और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। ओके सर। सर मुझे लग रहा है कि इस मर्डर में फैजल का ही हाथ है। जरूरी नहीं है। विनीता ने उस लड़के को भी सिंह के घर के आसपास घूमते हुए देखा था, हो सकता है वो किसी फैक्ट्री वर्कर का बेटा हो। फैजल के साथ साथ इस लड़के के बारे में भी पता करो, स्पेशली इंदु सिंह के साथ इसका कनेक्शन। जहां केस जितना साफ दिख रहा है उतना है नहीं, कोई तो राज है जिससे अभी भी पर्दा उठना बाकी है। साहब, हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। देखिए अगर आप सच बोल रही हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमें पता चला कि आप कुछ झूठ बोल रही हैं तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं साहब, हम सच बताते हैं। हम जानते हैं आसमा को नौकरी से क्यों निकाला था। हमने दूसरी औरतों की बात सुनी थी। क्या हुआ था? मुझे पता है सर ने आसमा को नौकरी से क्यों निकाला। वो क्या है ना, कमल सर अब उससे ऊब गए थे, क्योंकि अब हम जो आ गए उनके पास। हेमा सच कह रही थी, हमने कमल साहब और हेमा को साथ देखा था। हाँ साहब, ये तो सब औरतों को पता है इस फैक्ट्री में। अब कमल सर के बारे में कोई कुछ कहता नहीं था बस। कमल की वाइफ हिंदू जानती थी इस बारे में? हाँ, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं थी, तभी तो वो हमें अपने साथ घर लेके गई। लेकिन हिंदू हेमा और सुनीता को अपने घर लेकर क्यों गई? सर जी, हेमा को तो मैडम सर के लिए ही लेकर गई थी, और सुनीता तो उनकी खबरी थी, फैक्ट्री में सर पे नजर रखती थी और घर जाके मैडम को खबर देती थी। पर एक दिन कमल सर की नजर सुनीता पे भी पड़ गई। सर इस कमल सिंह ने अपनी फैक्ट्री को अय्याशी का अड्डा बना रखा है, लगभग हर फीमेल वर्कर के साथ उसका रिलेशन रहा है, और सर आसमा को भी उसने इसलिए काम से निकाला क्योंकि वो उससे ऊब चुका था। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि आसमा ने इंदु को कमल की सच्चाई बताई, इंदु ने कमल को कन्फ्रंट किया हो और गुस्से में आकर कमल ने आसमा को मार दिया हो? नहीं सर, फैक्ट्री के वर्कर के हिसाब से इंदु इन सब चीज़ों के बारे में जानती थी। सर हेमा जिसके साथ कमल का रिलेशन है और सुनीता जिसके साथ कमल रिलेशन बनाना चाहता है, इन दोनों को ही वो अपने घर ले आई थी। सर एक पत्नी अपने पति को अय्याशियों का बढ़ावा क्यों देगी? सर थोड़ा अजीब लगता है। जहाँ कई बार लोग अपनी शादी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो कितनी अजीब क्यों ना हो, लेकिन ये बातें कंफर्म करने के लिए हमें कमल सिंह से बात करनी पड़ेगी। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो इंदु और आसमा दोनों के मर्डर को कनेक्ट करता है। फैजल का कुछ पता चला? नहीं सर, उसका फोन स्विच ऑफ है, लेकिन मैंने खबरियों को अलर्ट कर दिया। लीजिए सर, पानी लीजिए। और क्या पियेंगे, चाय कॉफी? वो सब छोड़िए मिस्टर कमल, और सीधे सीधे हमारे सवालों के जवाब दीजिए। ये बताइए कि क्या फैक्ट्री में काम करने वाली औरतों के साथ आपके संबंध थे?
जी हाँ, लेकिन ये बात तो खुली किताब की तरह साफ है। इंदु भी जानती थी इस बारे में, इसीलिए तो हेमा और सुनीता को घर पर लेकर आई थी ताकि मुझे बाहर ना जाना पड़े। सर जी, मेरी तरह मेरी वाइफ की भी अपनी लाइफ थी। मेरी फैक्ट्री का एक सप्लायर है आशीष, उसके साथ उसका अफेयर था। बेटा डरो मत, खुलकर बताओ, पापा मम्मी बहुत लड़ते थे? लड़ते थे सर, पर कपल्स के बीच लड़ाई होना तो नॉर्मल है ना। मॉम डैड की अपनी अपनी लाइफ थी, इट्स नॉट अ बिग डील। आजकल डिवोर्स होना या अलग होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मॉम डैड इस शादी में सिर्फ मेरे लिए साथ में थे। जब भी डैड घर से बाहर जाते थे मैं उन्हें बहुत मिस करती थी, इसके लिए मॉम ने ये सब किया। डैड ज़्यादातर घर पे रहे और इसलिए मॉम हेमा और सुनीता को घर ले आई। दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के जीने के अंदाज से कोई परेशानी नहीं थी, तो फिर इंदु सिंह का मर्डर किस कारण से हुआ था और ये आशीष कौन था? क्या इंदु सिंह के मर्डर में उसका हाथ था? पुलिस पता कर रही थी, लेकिन अब तक की तहकीकात और सारे सबूत इशारा कर रहे थे फैजल की तरफ। पुलिस फैजल को ढूंढ रही थी और आखिरकार उन्हें फैजल के बारे में एक टिप मिली। अरे एक चाय देना भाई, अरे एक चाय दो यार, कब से मांग रहे हैं। रुक फैजल, अरे रुक, उठ, चल तुझे चाय पिलाता हूं थाने में स्पेशल, चल। जिस वास से इंदु सिंह को मारा गया था उस पर घर के सारे मेंबर्स के फिंगरप्रिंट्स हैं, इसीलिए किसी पर शक नहीं किया जा सकता। अब या तो शायद कोई घर का भेदी है या फिर कातिल बहुत चाहते हैं कि उसने एक भी सबूत नहीं छोड़ा। हेलो, क्या? ठीक है, वेरी गुड सर, फैजल मिल गया, उसे दिल्ली ला रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, साहब हमें यहाँ क्यों लाए साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। एक तो हमारी बीवी मर गई साहब, ऊपर से आप लोग। बहुत बेचारा है ना तू, चल अब ये बता इंदु सिंह के मर्डर वाले दिन कहाँ था तू? हम किसी इंदु सिंह को नहीं जानते साहब। अरे साहब, किसी इंदु सिंह को नहीं जानता? हाँ ये तो जानता है ना कि पिछले तीन दिन कहाँ था। गांव वालों ने तुझे बस में चढ़ते हुए देखा था और उसके बाद तू दिल्ली आया था और दिल्ली में भी बस स्टॉप पे लोगों ने तुझे देखा है। अब बोलेगा बस? हाँ साहब, हम दिल्ली गए थे, हमारे अंदर गुस्सा बहुत था साहब, उस इंदु सिंह ने हमारी बीवी को मार दिया था साहब, आसमा को मार दिया था साहब, और मैं भी उसे मारने वाला था, लेकिन साहब मैंने उसे नहीं मारा साहब। हम तो रास्ते में शराब पी के गिर पड़े थे साहब, और वहां हम कितनी देर पड़े रहे हमें कुछ नहीं मालूम साहब, हम सच बोल रहे हैं। वहां करके जो तू बोल रहा है ना, तेरे फोन रिकॉर्ड भी वही बोले, नहीं तो पुलिस का डंडा तेरी सारी शराब उतार देगा, समझा? क्या लगता है सर, फैजल एक नंबर का झूठा इंसान है। अपनी बीवी के मरने के बाद इसने अपनी बेटी सना को बहुत मारा। इसकी बातों पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। इसके दिल्ली आने से लेकर इंदु सिंह के मर्डर तक के इसके कॉल ट्रैंगुलेशन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसका पूरा मूवमेंट ट्रैक करो, तभी पता चलेगा इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। सर, आशीष सर आ गया, भेजो केबिन में। जी सर। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सर मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। घबरा क्यों रहे हो? अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो पूछताछ के बाद चले जाना, पहले हमारे सवालों के जवाब तो दे दो। इंदु सिंह और तुम्हारा क्या रिलेशन? कुछ नहीं। सच सच जवाब देना, लॉकअप यहाँ पास में ही है। सर मैं बस उनकी फैक्ट्री में प्लास्टिक के पैकेट सप्लाई करने जाता था, बस वहीं उनसे पहचान हुई और हमारी दोस्ती हो गई। अगर ये शादी तुम बचाना चाहती तो रोज रोज फैक्ट्री के चक्कर काट के जासूसी करना बंद कर दो, समझी? आसान नहीं होता है अपने पति को किसी और के साथ देखना। मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी तब पता चलेगा तुम्हें। तो चली जाओ, चली जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी लाइफ जियो, मुझे अपनी लाइफ जीने दो, प्लीज। कमल, और फिर बात दोस्ती से आगे बढ़ गई और तुम दोनों में अफेयर हो गया। नहीं सर। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि इंदु तुमसे नहीं बल्कि अपने पति कमल से प्यार करती है तो तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने उसे मार दिया।
नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मेरे और इंदु के बीच में दोस्ती से ज्यादा और कुछ नहीं था सर। या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर वो लोग जिन्होंने तुम दोनों को साथ में देखा था। इंदु का पति कमल सिंह और ये इंदु के फोन कॉल रिकॉर्ड्स, क्या ये सब झूठ है? सर ना तो वो झूठे हैं और ना मैं। अफेयर का झूठा नाटक, इंदु तुम पागल हो गई हो क्या? आशीष प्लीज, मेरे लिए, हमारी दोस्ती के लिए। कमल को जब ये पता चलेगा कि हम दोनों साथ हैं तो उसे मेरी इम्पोर्टेंस रियलाइज होगी और वो मेरे पास वापस आ सकता है। तुम्हें मेरे इस नाटक में साथ देना होगा आशीष, प्लीज। सर मैं ये नाटक नहीं करना चाहता था, लेकिन दोस्ती की खातिर मैं मान गया। कमल और बाकी सब लोगों को लगने लगा कि इंदु और मेरे बीच में कुछ है, लेकिन सर वही हुआ जो मैंने सोचा था। कमल को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसकी अयाशा तो और ज्यादा बढ़ गई। सर मैंने इंदु से कहा था कि हमें ये नाटक बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी। अच्छी कहानी, लेकिन अगर तुमने इंदु को नहीं मारा तो उसके मरने के ठीक एक दिन पहले अपना फोन स्विच ऑफ क्यों कर लिया था और डिस्कनेक्ट भी करवा दिया? सर वो उन दिनों मेरे फोन पे अचानक बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स आने लगे थे, वो भी अलग अलग लैंडलाइन नंबर से। सर मैंने उसकी पुलिस कंप्लेंट भी की थी, लेकिन वो नंबर ट्रेस नहीं हो पाए, इसीलिए मैंने अपना नंबर डिस्कनेक्ट किया और नया नंबर ले लिया। फिर कुछ दिन के लिए मैं शहर से बाहर गया बिजनेस के काम से, और जब मैं वापस आया तो मुझे इंदु के बारे में पता चला। मुझे बहुत बुरा लगा सर। ठीक है, फिलहाल के लिए जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। जी सर। जहाँ इसकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। पता करो कि आशीष को ये ब्लैंक कॉल किस एरिया से आते थे और कौन करता था। शायद इंदु सिंह के मर्डर से कुछ रिलेटेड हो। ओके सर। पुलिस के पास सस्पेक्ट्स की लंबी लिस्ट थी, लेकिन उनमें से एक के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इस कोहरे को हटाने के लिए पुलिस ने दोबारा पूछताछ शुरू की। और आखिरकार कोहरा हटा। पूछताछ करने के बाद पुलिस को दो सुराग मिले और दोनों को फॉलो करने के बाद जो सच सामने आया वो बेहद चौंका देने वाला था। सर आशीष को जितने भी ब्लैंक कॉल आए थे वो एक ही एरिया के अलग अलग पीसीओ से किए गए थे। सर उनमें से एक पीसीओ के मालिक ने इस लड़के को पहचान लिया। सर ये वही लड़का है जो आशीष को बार बार कॉल कर रहा था। हमारी एक टीम उस एरिया में इस लड़के के बारे में पूछताछ कर रही है। सर उम्मीद है कुछ हाथ लगे। जहाँ आशीष और इस लड़के के बीच में जरूर कुछ हुआ होगा, शायद इंदु सिंह को लेकर, इसीलिए इंदु सिंह के घर के आसपास भी छुपा हुआ था। हो सकता है कि इंदु सिंह के मर्डर में इसका कुछ हाथ हो, लेकिन इसका मोटिव क्या हो सकता है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसमा के खून से भी इसका कुछ लेना देना है? इन सारे सवालों के जवाब अब यही दे पाएगा। सना, क्या तुम्हारे अब्बू तुम्हारी अम्मी को मारते थे? हाँ सर, रोज मारते थे। जब अम्मी की नौकरी चली गई तो अब्बू ने कहा कि जब तक नौकरी वापस ना आए घर ना आना, इसलिए अम्मी दिल्ली चली गई। ये कब की बात है? साहब अम्मी की मौत के एक दिन पहले। मैंने बोला ना तू काम पे जा, काम पे जा। हमने कहा ना हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे। उस आदमी ने काम किया और भी हमारा गलत इस्तेमाल किया है, और अब वो सना के साथ भी वही करेगा जो उसने मेरे साथ किया है। अब तू काम पे जाएगी? अगर मुझे शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो तुझे जान से मार दूंगा और इसको बेच दूंगा, समझी तू? अब काम पे जा, काम पे जा। माफ कर दीजिए साहब, हमने आपको पहले कुछ नहीं बताया, हम बहुत डर गए थे। कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं। और जब हमने फैजल के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड को चेक किया तो पता चला कि जिस दिन इंदु सिंह का मर्डर हुआ था फैजल की लोकेशन वहाँ की नहीं थी, लेकिन जब आसमा का मर्डर हुआ फैजल की लोकेशन वहीं की थी। आसमा के नाखून में जो स्किन रेसिड्यू मिला है, हो सकता है वो फैजल का। फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई? नहीं सर, शाम तक आ जाएगी। एक मिनट सर। हाँ वर्मा, ठीक है सर। फैजल की बेटी सना ने बताया है कि फैजल ने आसमा को जान से मारने की धमकी दी थी। बहुत मजा आता है ना तुझे अपनी बीवी और बच्ची को मारने में, अब हम मजा लेंगे। क्यों मजा नहीं आ रहा है? अभी आएगा, जब सिगरेट से जलाकर निशान बनाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। साहब मत मारो, साहब मत मारो साहब। देख
फोरेंसिक रिपोर्ट आने के पहले सब कुछ सच सच बता दे, वरना पूरी बॉडी पर इतने निशान बनाऊंगा सिगरेट से कि गिनती भूल जाएगा। चल बोल। साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया साहब, माफ कर दो साहब। तू ऐसे नहीं बोलेगा ना, जा सर एक सिगरेट और लाइटर लेकर आ। साहब रुको साहब, हम सब सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं साहब, सिगरेट से मत जलाना साहब। साहब आसमान ने हमसे कहा कि वो हमारे लिए शराब लेके आएगी और नौकरी भी करेगी, लेकिन वो साली। जबान संभाल के बात कर। साहब हम उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बोली उसे नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमको बहुत गुस्सा आया साहब, हम उसके पीछे पीछे दिल्ली आए। ए, चोर, चोर, अरे चोर! अरे ये क्या क्या? निकम्मी, एक तो काम पर नहीं गई और ऊपर से ये शराब की बोतल तोड़ दी। अरे हमने क्या किया? वो लड़का हमारे बॉटल। चुप, तू किसी काम के नहीं है, तुझे तो। अरे तुमने क्या किया हमारे लिए? जिंदगी भर बस शराब पिया और मैं मारा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जुबान लड़ाती है, बहुत बकवास कर रही है। बस अब हम चुप नहीं रहेंगे, अगर तुम्हें शराब पीने तो अपने पैसों से पियो, लेकिन हम काम मांगे दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, समझे ना? नहीं जाएगी तू? हाँ नहीं जाएंगे। देखते हैं कैसे नहीं जाती तू, चल मेरे साथ। हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे, अगर सामने आए तो देख लेना मार देंगे। तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे जान से मारेगी? अरे साहब अब सीधे से ये बता कि इंदू सिंह का खून कैसे किया? साहब हमने इंदू सिंह को नहीं मारा है साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, हमने इंदू सिंह को नहीं मारा। जहां मुझे लगता है कि फैजल शायद सच बोल रहा है और इंदू सिंह का मर्डर किसी और नहीं किया है। उस लड़के के बारे में पता करो, एरिया को दोबारा छानो और खबरियों को एक्टिव करो, अभी लड़का ही हमें सच तक पहुंचाएगा। ठीक से याद करके बताओ कि क्या पहना था उसने, कुछ अजीब बात नोटिस की तुमने? हाँ सर जी, एक बार वो स्कूल यूनिफॉर्म में आया था कॉल करने के लिए। क्या हुआ, इतना डर क्यों रहा है? कुछ सर, उस लड़के का पता चल गया है, वो GS प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और सर स्कूल वालों ने कंफर्म किया है कि ये उन्हीं के स्कूल की यूनिफॉर्म है। तो पकड़ में आई क्या तू? चल बोल, इंदू सिंह को क्यों मारा? सर मैंने किसी को नहीं मारा। देख, तुझे उसके घर के आसपास देखा गया, छुप छुप कर दाकाचाकी करता था ना, और आशीष को भी ब्लैंक कॉल्स तूने किए, छुपाने से अब कुछ नहीं होगा, सीधे से बता दे क्यों मारा उसे। सर मैं मानता हूँ मैं उन्हें मारने वाला था, पर फिर मैंने उन्हें नहीं मारा। चल ठीक, मान लिया कि तूने नहीं मारा, लेकिन तू मारने वाला था, क्यों मारने वाला था? देख जब तक तू खुलकर सारी बात नहीं बताएगा, तेरा विश्वास तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले। चल बोल। बोल। सर सर मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ सर, स्कॉलरशिप के बेसिस पे मुझे स्कूल में एडमिशन मिला, पर दूसरे बच्चों की तरह मैं अमीर नहीं हूँ, इसलिए महंगी चीजें नहीं खरीद सकता सर। सर इसलिए उसने मुझे पैसों का लालच दिया। अरे पर मैं कैसे? तुम्हें पैसे चाहिए ना, वो मैं तुम्हें हर महीने दे दूंगी, बस तुम्हें मेरी मॉम को जान से मारना होगा। ये कोई एज थी मॉम के अफेयर करने की? मुझे बहुत घिन आती थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि मॉम किसी और के साथ। लेकिन तुम्हें तो अपने पापा मम्मी की लाइफस्टाइल के बारे में पहले से मालूम है ना, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? जब पापा के अफेयर से होने लगे तो मुझे बहुत दुख होता था, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, पर मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, सालों से मैं ये गंदगी देखते आई हूँ। और फिर एक दिन डैड ने बताया कि मॉम का भी अफेयर चालू हो गया है, बस फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब ये गंदगी मुझे ही खत्म करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने गौतम को कहा था, पर उस पर तो हिम्मत ही नहीं थी। सर फिर फाइनली मैंने उस दिन हिम्मत की और उनके घर गया। क्यों बंद कर रखा है? गौतम को मैंने कब से बोला हुआ था, पर वो कुछ कर ही नहीं रहा था, और मॉम ने भी सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी थी। उस दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो मॉम उस आशीष के लिए बेचैन हो रही थी। प्लीज कॉल मी, जरूरत है मुझे तुम्हारी। बस मुझसे ये सब देखा नहीं गया, और
मैंने गुस्से में आके मॉम को तुम्हारी बीवी का कभी अफेयर था ही नहीं, वो सिर्फ ये शादी बचाना चाहती थी और इसलिए उसने तुमसे झूठ बोला था कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम वापस आ जाओ। तुम क्या मॉम का कभी अफेयर था ही नहीं, तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला नैन? आपने मुझे झूठ क्यों बोला? आजमी छोड़ो, क्यों छोड़वाया आपने मुझे? कमल सिंह, इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारी इस अय्याशी के कारण दो जाने गई और अब तुम्हारी बेटी जेल में सड़ेगी। अपने मर्द होने का बहुत फायदा उठाया था और बहुत मनमानी भी की। अफसोस की बात यह है कि कानून में तुम जैसे लोगों के लिए कोई सजा नहीं। लेके चलो इसे। अय्याशी की एक आदमी ने, लेकिन उसका फल भुगतना पड़ा कई जिंदगियों को। कमल सिंह ने अपनी मेल ईगो, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए हेमा, सुनीता, फैक्ट्री की दूसरी वर्कर्स और आसमा जैसी एक मेहनती वर्कर की जिंदगी खराब कर दी। और आसमा का पति फैजल, उसने भी आसमा के साथ जानवरों से बदतर व्यवहार किया और गुस्से में आकर उसे जान से मार दिया। एक तरफ थी सना, जो अपनी अम्मी के मरने और अब्बू के जेल जाने के बाद इस भरी दुनिया में अकेली रह गई थी, और दूसरी तरफ थी नमिता, जिसे इस गंदगी ने गुनहगार बना दिया था। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी ने अपने मर्द होने का फायदा उठाया और न जाने कितनी ही जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को। सीख हम सबको। जय हिंद।